फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटिंग ईडीयू। आज से हम लोग एसबीआई क्लर्क 2018 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा पहला डे है। हमेशा से स्टूडेंट को दिक्कत रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हमारा मिसलेनियस पोर्शन है, या कह सकते हैं जो हमारा कमर्शियल सेक्शन है मैथ का, उसमें हमेशा से स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहा है। हम लोग उसमें कम स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में। तो हम जो मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो ट्रिक के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आप एग्जाम में कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। हमारा जो पहला सवाल है वह, ए ट्रेन 300 meters लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू क्रॉस ए 200 meters लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, और हमें ये पता करना है कि वो कितने सेकेंड में एक 200 मीटर लंबे ट्रेन को क्रॉस करेगी जो उसके सेम डायरेक्शन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को। हम लोग इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? देखिए, बेसिक मेथड है हमारे पास जो बहुत लंबा जाएगा और एग्जाम में प्रॉब्लम भी होता है उससे हम लोग करने में, क्योंकि कम टाइम रहता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ ट्रिक को देखेंगे। पहले यहाँ कुछ लिखे हुए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि L1 हमारा जो है वो पहले ट्रेन का लंबाई है 300 मीटर, L2 जो हमारा है वो दूसरे ट्रेन का लंबाई है 200 मीटर। फिर हमारा जो पहला स्पीड है S1 वो है 90 किलोमीटर पर आवर, पहले ट्रेन का जो स्पीड है हमारा, और दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि ट्रेन हमारा सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब अगर कोई ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी भी ट्रेन इधर ही जा रही है। ठीक है, जब हम लोग सेम डायरेक्शन में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा मेरा, S1 माइनस S2, डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालते हैं जब हम लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ निकाल लिया तो हमारा कितना आया, 30 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 5/18 से गुना करने का। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से कर देंगे, अगर अपोजिट करना होगा तो 18/5 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि L1 प्लस L2 बाय S1 माइनस S2, बस यही फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। इस सवाल में जो टाइम टेकन है क्रॉस करने का समय, वो बराबर है हमारा L1 प्लस L2, यानी कि दोनों ट्रेन का लेंथ का सम माइनस दोनों ट्रेन के स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लिए 300 प्लस 200 500 दोनों का, और 30 × 5/18 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 सेकेंड। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक मिनट से कम ही लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा और यूनिट को हमेशा देखिएगा कि किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर में। जो क्वेश्चन हम लोग को बोलेगा उसमें निकालने, वो यूनिट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है वह, टू ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 135 meters एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज, कह रहा है कि दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है सेम स्पीड से, दोनों ट्रेन की लंबाई है 135 meters और दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, तो हमको स्पीड निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोगों को टाइम निकालना था, यहाँ हम लोगों को स्पीड निकालना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ क्या है मेरा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो थ्योरी लगेगा कि अगर एक ट्रेन हमारा इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन हमारी इधर जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि S1 प्लस क्या करेंगे हम लोग, S2 कर लेंगे, स्पीड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस नीचे क्या होगा, वहां माइनस डिफरेंस किए थे, यहाँ स्पीड को ऐड कर दिए। ठीक है, तो L1 बराबर L2 हम लोग मान लिए, लेंथ ऑफ द हमको दिया हुआ है 135 मीटर,
ठीक है, स्पीड हमारा ट्रेन का हो गया एक्स, तो दोनों ट्रेन के लिए एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे, टाइम टेकन हमको दिया हुआ है 18 सेकेंड, दोनों का हमारा लेंथ दिया हुआ 135 प्लस 135 बाय एक्स प्लस एक्स, दोनों का जो हमारा स्पीड है, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आया 270 इंटू 2 × 18 मीटर पर सेकेंड, ये आया। अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसको, आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में देख रहे हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जस्ट अपोजिट 18/5 से गुना कर देंगे, तो 270 × 2 × 18 × 18/5 कन्वर्ट कर लिए यूनिट को, तो हमारा आंसर आया 27 किलोमीटर पर आवर। बस एग्जाम में यूनिट को देखना है और शॉर्टकट तरीका अपनाना है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारा है, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज हुज एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स व्हेन वन बॉय एज्ड 18 इयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय, फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय। कह रहा है कि किसी क्लास में 20 बच्चे हैं जिसका एवरेज 2 महीने घट जा रहा है, ठीक है, सभी का एवरेज 2 महीने से घट जा रहा है। कब? जब एक लड़का जो 18 साल का है वो रिप्लेस हो जाता है एक नए लड़के से, तो मेरा नया लड़का का एज क्या होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एज ऑफ द न्यू पर्सन अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू एज ऑफ द रिमूव्ड पर्सन माइनस नंबर ऑफ द पर्सन इनटू डिक्रीज इन एवरेज एज। अब देखिए एज ऑफ द रिमूव पर्सन कितना हो जाएगा हमारा 18 माइनस नंबर ऑफ द पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा 20 इंटू डिक्रीज इन एवरेजेस, तो डिक्रीज इन एवरेज मतलब 2/12 क्यों लाए, क्योंकि 2 जो मेरा था वो मंथ में दिया हुआ था, 2 किस में दिया हुआ था मेरा, वो मेरा मंथ में था, और उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए 12 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 − 10/3 यानी कि 44/3 कर लेंगे, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 14 ईयर 8 मंथ, जो ये किसका एज हुआ, ये न्यू बच्चे का एज हुआ जो कि रिप्लेस किया गया था, ठीक है। तो वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है वो है, वॉकिंग एट 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीच्ड अर्ली बाय 5 मिनट्स, फाइंड द यूजुअल टाइम। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो यूजुअल स्पीड से 6/5 यानी कि यूजुअल स्पीड का 6/5 भाग से वो चल रहा है, ठीक है, और वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका यूजुअल हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो है टाइम बराबर यानी कि यूजुअल टाइम बराबर अर्ली टाइम जितना देर को पहले पहुंचा डिवाइडेड बाय 1 - रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड, यानी कि अगर स्पीड हमारा 6/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा 5/6, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर ये डाल देंगे, तो अर्ली टाइम कितना हो गया हमारा 5 मिनट, 1 - रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड 1 - 5/6, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 5/1/6, और हमारा कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हो जाएगा 30 मिनट। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 1 से 2 बार फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान में हो जाएगा और क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है वह, बिनाज मंथली इनकम इज 90% ऑफ अनिताज मंथली इनकम, द टोटल ऑफ बोथ देयर मंथली इनकम इज मिस्टर सेन मंथली इनकम, मिस्टर सेन्स एनुअल इनकम इज ₹7,25,200, वाट इज बिनाज मंथली इनकम। कह रहा है कि बिना का जो मंथली इनकम है वो अनिता के मंथली इनकम के 90% के बराबर है, ठीक है, और दोनों का जो मंथली इनकम है वो मिस्टर सेन के मंथली इनकम के बराबर है, और मिस्टर सेन का जो एनुअल इनकम है वो हमें दिया हुआ है 7,75,200, तो बिना का मंथली इनकम क्या होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे सवाल बहुत लंबा चौड़ा में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इस सॉल्यूशन को समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। पहले हम लोग सेन का मंथली इनकम निकाल लेते हैं, तो सेन का मंथली इनकम निकालने के लिए एनुअल इनकम को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कर दिए 7,75,200 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा जो आंसर आया 64,600, ये हमारा उसका मंथली इनकम हो गया। अब हम लोग माने कि अनीता का जो मंथली इनकम है वो एक्स है, जो अगर अनीता का मंथली इनकम एक्स हो जाएगा तो बीना का मंथली इनकम कितना हो जाएगा 90% ऑफ एक्स यानी कि 90x/100,
0.9x हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि दोनों का जो सम है वो मिस्टर सेन के मंथली इनकम के बराबर है, यानी कि x प्लस 0.9x इक्वल्स टू 64,600। बस हमें एग्जाम में इतना ही कैलकुलेट करना है, और ये जितनी भी बातें हैं लिखी हुई हैं ये सब आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में बस इतना लिखिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बस यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, हो गया। ये अनिता का मंथली इनकम 90% के बराबर, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ने यही लिया, x प्लस 0.9x बराबर 64,600। अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ दिए तो x बराबर हो जाएगा रुपीज 64,600 डिवाइडेड बाई 1.9, यानी कि 34,000, 34,000 हमारा x आया, ठीक है। अब 34,000 x आया तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, बिना का निकालना है, यानी कि 0.9 इंटू 34,000, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30,600। तो बस ध्यान रखना, ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे, आपको ये चीज़ दिमाग में कैलकुलेट करके रखना है, और ये इक्वेशन को सिर्फ लिखना है, सॉल्व करना है, और विद इन 1 मिनट से कम में आप ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।